हाँ बेटे, एफआरए करना था। एफआरए में हमने एक कॉन्सेप्ट किया, एफआरए फॉर हेजर्स। और अब कर रहा है कि एफआरए से आर्बिट्रेज कैसे कमाया जाता है। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने की अपेक्षा मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा इजी वे में, ताकि आपको सारी बातें समझ में जाए कि क्या है। सुनोगे बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात। ये लो, इस पर्सन का नाम है राम, और राम के पास 1 लाख रुपए है, और राम जो है ना इन्वेस्ट करना चाहता है, वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। 1 लाख रुपए रखा, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इन्वेस्ट करना चाहता, तो वो बैंक जाके पता लगा रहा है कि भाई जिस भी बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उस पे हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक बैंक के पास गए, ये ले ले बेटे, इस बैंक के पास गया, सर इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है बैंक ए। और बैंक ए से पूछा राम ने कि बैंक ए, ये बताओ अगर मैं आपके पास 1 लाख रुपए आज जमा करूं तो आप 1 साल बाद कितना दोगे? तो उन्होंने कहा, यार आप देख लो हिसाब किताब, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एन। मैंने कहा ठीक है, और भी पता लगाता हूँ, दूसरी बैंक के पास भी जाकर देख लेते हैं। अब और एक बैंक के पास गए, सर इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है बैंक बी। अब मैंने कहा बैंक बी आप कितना देते हो इंटरेस्ट? तो ये बोलते हैं हम देते हैं 12% पर एनम के हिसाब से। अब बेटे सुनोगे मेरी बात ठीक से, राम की खुशी का ठिकाना नहीं, खुद सोच कर देखो राम कहाँ जमा करेगा, बैंक ए में कि बैंक बी में? बैंक बी में। क्यों बैंक बी में? क्योंकि बैंक बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर है ना। तो राम बहुत खुश, राम बैंक बी से बोलता, बैंक बी मैं पैसा जमा कर दूं। बोले सुनो, अब बैंक बी क्या बोल रहा है समझना। बैंक बी बोल रहा है कि सुनो साहब राम, एक बात समझ लो, हमारे साथ सिचुएशन है कि आप पैसा जमा तो करो पर वो जो डिपॉजिट है ना हम 6 माह तक का लेंगे। मतलब बोले हम आपको ये जो 12% है ना ये एप्लीकेबल है सिर्फ 6 मंथ तक के लिए। और मैंने कहा 6 महीने बाद मुझे तो? बोले 6 महीने बाद फिर रेट हमारे यहाँ चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा इससे बढ़ जाएगा ना? बोले वो नहीं जानते, बढ़ भी सकता है भाई, कम भी हो सकता है। इट मीन्स हम आपको 12% पर एनम के हिसाब से देंगे पक्का, लेकिन आज जमा करोगे तो आज से 6 माह तक देंगे बस, और 6 माह बाद भी आपको मिलेगा पर वो इंटरेस्ट 5% भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हमारे यहाँ हर 6 6 माह में रेट चेंज होता है। अरे यार ये तो एक समस्या, ये बैंक पसंद जरूर आई थी पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब फंस गए। 6 माह तक तो अच्छा लगेगा, और 6 माह बाद क्या होगा भगवान ही जानता है, 6 माह बाद पता नहीं कितना मिलेगा। ये बैंक अच्छी है, बोलते सुनो जमा करोगे तो 1 साल के लिए जमा करना, पूरे 10% मिलेगा। और ये बोलती जमा कीजिए पर 6 माह के लिए ही जमा लेंगे, और उसके बाद भी ले सकते पर वो अलग रेट पे होगा, रेट कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता। अरे यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहाँ अच्छा लग रहा है पर एक समस्या है, कितने माह का? 6 माह का। काश कोई मुझे श्योरिटी दे दे कि 6 महीने बाद आप हमसे और इंटरेस्ट लेना। अब सुनो बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ये बैंक पसंद आई, क्यों? क्योंकि रेट जाता है, रेट जाता है, ठीक है, तो ठीक है ना जमा कर दो बेटे, लेकिन अगले 6 माह फिर मैं क्या करूंगा? तो अब सुनो, ये लो और एक बैंक, सर इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है एफआरए बैंक।
और एफआरए बैंक बोलती राम से कि राम क्यों चिंतित हो। राम ने सारी समस्याएं समझाया कि ये बैंक भी हम मुझे पसंद है पर ये मुझे सिर्फ 6 माह। तो बोले एक काम करो ना भाई राम, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कब कर लो? आज। और कॉन्ट्रैक्ट ये इस बात का है कि आप राम आप इन्वेस्ट कर देना, इन्वेस्ट आफ्टर 6 मंथ। हमारे पास एफआरए बैंक बोले हमारे पास आप 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर देना, 6 माह तक यहां जमा कर लो और 6 महीने बाद, ये 6 माह के लिए तो राजी है, तो 6 महीने बाद यहां से पैसे निकालना और हमारे यहां जमा कर देना। ठीक है, और कितने पीरियड के लिए जमा करना है आपको? 6 मंथ। राम बोलता ठीक। अब राम बोलता अच्छा भैया, जब मैं आऊंगा 6 महीने बाद पैसे लेके, आप रेट कितना दोगे? तो एफआरए बैंक बोलती आप ही बोलो ना राम, आपको कितना चाहिए? तो राम सोचता, सुनो, राम बोलता है मैं हिसाब किताब लगाता हूं। राम सोच रहा है कि अगर मैं बैंक ए के पास जमा करता हूं तो 1 लाख रुपए जमा करूंगा 10%, तो 1 साल बाद 1,10,000 रुपए मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं बैंक बी के पास जाता हूं, यहां 1 लाख रुपए जमा करता हूं तो ये तो 6% देगा इंटू 1.06, तो मुझे 1,06,000 मिलेगा। इट मीन्स यहां कितना मिल रहा है 1,10, और यहां कितना मिल रहा है 1,06, पर ये 12 महीने में मिल रहा है और ये 6 महीने में। तो मैं एफआरए बैंक से बोलता हूं, सुनो एफआरए बैंक, अगर मैं आपके पास आता हूं 1,06,000 लेकर, तो कम से कम आप मुझे इंटरेस्ट 4,000 तो दे ही देना भाई, क्योंकि टोटल मिलाकर कम से कम 1,10 तो हो जाना चाहिए, नहीं तो यही जमा कर दूंगा। बोले कम से कम 4,000। अच्छा, तो एफआरए बैंक क्या करेगी? एफआरए बैंक बोलते ठीक है, अब मैं आपको इंटरेस्ट बताता हूं। बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? मैंने कहा हाँ, ये मैं बता सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट चाहिए एफआरए बैंक आपसे? 4,000। कितना जमा करने पे? 1,06,000 इंटू 100। चेक करते हैं कितना आ रहा। पर सुनो बेटे, ये तो 6 महीने का है ना, मुझे इंटरेस्ट तो पर एनम बताना पड़ता है, तो 6 महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना? तो 4,000 / 1,06,000 × 100 × 12/6, तो कम से कम मुझे 7.5% चाहिए ही चाहिए। एफआरए बैंक आप मुझे 7.55% दे दीजिए। ठीक है, अगर एफआरए बैंक बोलती है कि हम आपको 9% देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो पर एनम, तो मैं तो तैयार हो जाऊंगा भाई, फिर तो मैं इस बैंक में जमा करूंगा, 6 महीने बाद यहां से पैसे निकालूंगा, इधर जमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना कम से कम चाहिए और मुझे तो ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, पर अगर ये बैंक बोलती है कि हम आपको देंगे 7% पर एनम, तो मैं कहूंगा कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे कम से कम इतना चाहिए, तभी तो मेरा 1,10 हो रहा और आप तो 7% ही दे रहे, तो मैं यही वाली बैंक में जमा करूंगा। ठीक है, तो ये जो एफआरए बैंक बताती है, दिस इज एक्चुअल एफआरए, एक्चुअल। अच्छा, और ये जो हमने निकाला, ये निकाला थियोरिटिकल कि हमको कितना चाहिए, शुड बी ये होना चाहिए, और ये एक्चुअल। सर इसको क्या बोलते हैं? कब जमा करना? आज से 6 महीने बाद। कितने पीरियड के लिए? 6 महीने के लिए, तो मैंने बताया था, इसको बोला जाता एफआरए 6 × 12। यहां लिखा रहता एक्चुअल, एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट, वो आपको मैंने समझाया था। तो सर ये क्या है? ये बेटे थियोरिटिकल है, इसको बोला जाता है थियोरिटिकल एफआरए, और ये वाला कौन सा होगा? एक्चुअल एफआरए। सर तो इसका कैलकुलेशन 7.55 लाना, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं बेटे,
इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा ऐसा डायग्राम बना लिया करो। अच्छा, एक रूट तो हो गया ये, सीधा बैंक ए में जमा करते, ये आज, ये 6 महीने और ये 12 महीने। अगर मैं बैंक ए में जमा करूं तो बताओ टोटल कितना मिलेगा? 1.10 दिख रहा है आपको, 1.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ सर। और इधर जमा करूं, कौन सी बैंक हो गई है? बी। अगर बैंक बी में जमा करूं तो कितना परसेंट मिलेगा? अगर साल भर की बात करूं तो कितना दिख रहा है? 12%। पर हम पीरियोडिकल फैक्टर लिख दिया करेंगे, पीरियोडिकल मतलब 6 महीने का कितना, 6% का फैक्टर कितना, 1.06। और ये कौन सी बैंक हो गई बेटे? ये है एफआरए, ये निकालना मुझे एफआरए, एफआरए 6×12 क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे निकाला जाता बेटे? ये वाली पाथ और ये वाली पाथ दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? पहले इधर वाला लिख लेते हैं, या ये वाला लिख लो 1.06, ठीक है, इंटू 1+R, R या FRS जो लिखना लिख लो, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1.10। तो R इज इक्वल टू 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए, पर ये 6 महीने का मुझे पर एनम बेसिस पे चाहिए, इसलिए 12/6। देखते कितना आएगा, उतना ही आना चाहिए, 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12/6। तो ये आंसर आ गया मेरा 7.55%। दिस इज थियोरिटिकल एफआर बेटे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई फॉर्मूला वॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये थियोरिटिकल एफआर है। और फिर हम उसमें आर्बिट्रेज निकालना सीखेंगे कि एक्चुअल भी इतना ही होना चाहिए, अगर एक्चुअल 7.55 नहीं है तो फिर हम आर्बिट्रेज कमा लेंगे कि कैसे होता। तो सबसे मुश्किल काम है कि आप सबसे पहले थियोरिटिकल एफआर निकाल लीजिए, ठीक है सर। 1+R लिख सकते हो या तो फिर 1+FRA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1+FRA 6×12, पर इतना टेक्निकल लैंग्वेज ना लिखो तो चल जाएगा, यहां 1+R चल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ, और भी टीचर से बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर, ऐसा भी, ये बड़ा फैक्टर है ये छोटा फैक्टर, आंसर आ जाएगा, पर कोई मतलब नहीं है, सीधा इस इक्वेशन से काम करो, कभी गलती नहीं होगी। तो बेटे आर्बिट्रेज बात की बात है, सबसे पहले ये रेट निकालना सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको आर्बिट्रेज करवा देता हूं, ठीक है सर। अच्छा, यही वाला एग्जाम्पल से हम आर्बिट्रेज सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो 2-3 एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हमें रेट निकालने में दिक्कत ना हो। एक बार रेट निकालना सीख लिया तो उसके बाद आर्बिट्रेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, अभी कुछ लिखवाया नहीं हुआ मैंने आर्बिट्रेज के विषय में, बस ये सारी बातें चल रही है, अभी लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, अब मैं आपको थ्री मंथ लाइबोर का रेट दे रखा, जनरली 3-3 माह में 6-6 माह का लाइबोर होता, 3 महीने का, और ये दे देता हूं 12% पर। इसके अलावा मैंने 6 मंथ लाइबोर दे दिया 15% पर, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए थियोरिटिकल 3×6 एफआरए क्वेश्चन मार्क। थियोरिटिकल निकालना है तो थियोरिटिकल फिर से कैसे,
तीन माह के लिए जमा करो। ये लो बेटे, ये है मेरा टोटल पीरियड, ये आज, ये 3 महीने और ये है 6 महीने। एक तो ये वाला ले लेते, पूरा कितना महीने, 6 महीने, पूरा 6 महीने, 15% तो 6 महीने के लिए कितना आएगा, 7.5, 1.075। एक्चुअल में कितना है, 15%, ठीक है, 15 का आधा ले लें, यहां फैक्टर ही लिख लिख दिया करो। और एक ये वाला भी रेट मालूम है, 12%, 12 तो 3 महीने का कितना आएगा, 3% है तो वैसे 12%, तो 1.03। और ये वाला हमको निकालना है, निकाल सकते हैं, पहले ये वाला उठा ले, ये वाला उठा लेते हैं, 1.03 इंटू 1+r इज इक्वल टू 1.075। तो r इज इक्वल टू 1.075 डिवाइडेड बाय 1.03 माइनस 1, ये 1 है ना, 1 का इधर माइनस 1 हो गया, ठीक है सर। अब जो भी आएगा इंटू 100 इंटू, पर ये जो निकला है यहां का निकला है, ये तो 3 महीने है, तो 12 महीने का कितना देख लेते हैं, 1.075 डिवाइडेड बाय 1.03 इंटू सॉरी माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12/3, तो आंसर आ गया बेटे 17.47%, 17.47%, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1। और एक चेक कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार मैं ले लेता हूं 6 मंथ लाइबोर, 6 मंथ लाइबोर 9% पर है, नाइन मंथ्स लाइबोर 12% पर है, और आपको निकालना है थियोरिटिकल 6×9 FRA क्वेश्चन मार्क। अब फिर से वही डायग्राम बनाते हैं, सोचते हैं क्या होगा, हमेशा ये किया करो, यहां 0 ले लेना, यहां 6 ले लेना और यहां 9 ले लेना। आप सीधे जमा कर सकते हो 9 महीने के लिए, कितना परसेंट है, 12%, पर 9 महीने का फैक्टर कितना आएगा, 1.09, ठीक है। या तो ऐसे जमा कर सकते हो, कितना परसेंट है, 9%, 9% पर 6 महीने का कितना आएगा, आधा 1.045, क्योंकि 6 महीने का। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये क्वेश्चन मार्क, तो निकल सकता है, यस 1.0, ये वाला पहले, ये वाला उठा लेते, 1.045 इंटू 1+r इज इक्वल टू 1.09, तो r इज इक्वल टू 1.09 डिवाइडेड बाय 1.045 माइनस 1 इंटू 100 इंटू। अब सोचो बेटे ये कितने पीरियड का निकला, सर ये तो 3 महीने का निकला, यस, तो 12 महीने का कितना चेक कर लेते, कितना रहा, 1.09 डिवाइडेड बाय 1.045 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12/3, आंसर आ गया 17.22%, 17.22%, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते, फिर हम आर्बिट्रेज प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आर्बिट्रेज किया जाता है। एग्जांपल नंबर 3 ले लेते, एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल नंबर 3 ऐसा लेते हैं, एक दिया है मैंने आपको 3 मंथ्स लाइबोर, सर कितना परसेंट,
ये ले लो बेटे 15% पर एनम, ठीक है। और एक दे दिया 9 मंथ्स लाइफ, और ये ले लीजिए 12% पर एनम। और आपको निकालना है थियोरिटिकल एफ आर ए 3 × 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आज से 3 महीने बाद 6 महीने के लिए फिर से हमेशा डायग्राम बनाओगे। अब डायग्राम ऐसे करना, एक जीरो लेना, ठीक है, और एक अब की बार 3 आएगा, और एक कितना मंथ आ जाएगा 9, एक डायरेक्ट यहां से यहां जमा करना 9 मंथ वाला 12% है तो 9 महीने का कितना आएगा 9%, 1.09, एक ये वाला आ जाएगा 15%, तो 3 महीने का कितना, तो 3 महीने का फैक्टर देख लो 15 × 3/12 / 100+1 1.03715, और हमको कौन सा वाला निकालना, ये वाला, तो निकाल सकते हैं 1.0375 मल्टीप्लाई किससे करोगे 1+r इज इक्वल टू 1.09, तो r इज इक्वल टू 1.09 / 1.0375 - 1 × 100। अब बताओ ये कितने पीरियड का, सर ये तो 6 महीने का, तो ये 6 महीने का निकला जबकि मुझे पर एनम दिखाना पड़ता है कभी भी, तो देख लेते हैं 1.09 / 1.0375 - 1 × 100 × 12/6, तो आंसर आ गया 10.12%। सर इसका क्या यूज है आखिर, बट यूज अब मैं समझा रहा हूं, बस पहले निकालना सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन हो गया तो उसके बाद फिर मैं आपको आर्बिट्रेज करवा रहा हूं, मोर देन सफिशियंट एग्जाम्पल हो गया, बाकी होमवर्क क्वेश्चन में से कर लोगे आप एग्जाम्पल। अब हम लोग आर्बिट्रेज समझेंगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन खत्म, और अब कॉन्सेप्ट, और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और वही एक एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो लेते एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है, सिक्स मंथ लाइबर 12% पर एनम, ठीक है। मतलब जमा तो कर सकते हो, पर जमा सिर्फ 6 महीने के बाद के लिए कर सकते हो, कितने परसेंट पे 12, और उसके बाद रेट बदलेगा, ठीक है। एक है 12 मंथ लाइब, टेन परसेंट मतलब आज आप जमा कर सकते हो 10% के लिए 1 साल के लिए, फिर 1 साल बाद रेट चेंज होगा, तो हमको तो 1 साल की बात। और आपसे पहला पॉइंट पूछा, कैलकुलेट थियोरिटिकल एफ आर ए 6 × 12। तो चलो भाई, ये मेरा पहला पॉइंट था और मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ थियोरिटिकल एफ आर ए। हमेशा एक काम करोगे, क्या, डायग्राम, ये 8, ये पीरियड देखो 6, फिर ये देखो 12। एक तो डायरेक्ट जमा कर सकते हो, तो 10% का फैक्टर कितना आएगा 1.10,
या ऐसे भी जमा कर सकते हो, 12% है पर 1.06, और ये वाला हमको पता लगाना, ठीक है? तो सीधा उठाते हैं 1.06, 1 + r is equal to 1.10, तो r is equal to 1.10, 1.06 minus 1 into 100 into 12 divided by 6, ये भी calculation करना सीखा आपने, 1.10 divided by 1.06 minus 1 into 100 into 12 by 6, ये आ गया 7.55%। याद करो ये मैंने पहला एग्जांपल करवाया था। सर जरा समझाओगे क्या सिचुएशन है बेटे? अब देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये हुई कि हमारे एग्जांपल में एक पर्सन था, ठीक है, एक बैंक थी जिसका हमने क्या नाम रखा था, हमने रखा था बैंक ए। ये कितने परसेंट पे दे रहा था? 10%। और एक बैंक था, यस सर याद है, बैंक बी। ये कितने परसेंट पे? 12%। पर प्रॉब्लम है कि यहां तो आप 12 महीने के लिए जमा कर सकते हो, पर यहां कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए। और इसको कितना रुपए? 1 लाख रुपए, या जो भी हो 1 लाख रुपए हम ले लेंगे। फिर याद करो हमने एफआरए बैंक के पास गए थे, ये कौन सी बैंक थी यार? एफआरए बैंक। अब एफआरए बैंक से हम बात करने गए। अब सुनना ध्यान से, हमने कहा सुनो एफआरए बैंक, अगर हम आपके पास, यहां तो हम 12 महीने के लिए जमा कर सकते, यहां कोई इश्यू नहीं है, यहां सिर्फ 6 महीने के लिए जमा कर सकते, मैं एफआरए बैंक से बोल रहा हूं, एफआरए बैंक, अगर हम आपके पास जमा करने आए तो आप बताओ कितना ब्याज दोगे? आज से 6 महीने बाद जमा करने आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आज ही करने को तैयार है, और हमको मालूम है, हमने मन में निकाल के रख लिया कि भैया 7.55% से ज्यादा ही मिलना चाहिए। अब एफआरए बैंक बोलती है वो आपने क्या निकाला वो मतलब नहीं है, हम बता रहे कि हम कितना देंगे, और हमारा रेट चल रहा है एफआरए 6 × 12 इज इक्वल टू 10%, 11%। मैंने कहा अच्छा एफआरए बैंक ये क्या चीज है? बोले देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट आप कर लो 6 महीने बाद का, 6 महीने बाद आइए, जमा करने आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और आज से 6 महीने, मतलब 6 महीने बाद आना और उसके बाद 6 महीने तक जमा कर देना। मतलब ये दो रेट क्या है? बोले ये हमारा जमा करने का रेट है, आप आओगे ना तो हम 10% पे आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैंने कहा अगर मुझे बाई चांस उधार लेना है तो भाई, बोले फिर 11%। अच्छा, मैंने कहा क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, जमा करो, यहां जमा कर दो, क्योंकि हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 7.55, और सामने वाली बैंक जमा करने पे कितना दे रही है? 10%। बट ये 7.55% का मतलब समझो, दो मतलब हो सकते हैं, वो समझा रहे, 7.55 का परसेंट का मतलब, हम सिक्स मंथ बाद कम से कम 7.55% पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम हमको इतना चाहिए, ठीक है? और दूसरा मतलब भी है कि अगर हमें बोरोइंग करना तो इससे ज्यादा, वो दूसरा मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, 2 मिनट में समझाऊंगा, अभी क्या करना चाहिए आप बताओ। सर इसको छोड़ दो,
इधर जमा करो। क्यों जमा करो? क्योंकि आपको इस बैंक से कितना चाहिए? 7.55, और ये दे कितना रही है? 10। अच्छा, तो भैया जमा करने के लिए पैसा कहां से लाऊं? सर ऐसा करो बेटे, अब समझना, इस बैंक से पूछो क्या बैंक आप उधार दे सकते हो। बैंक ये कहती है हाँ जी उधार दे सकते हैं, मान लो डिपॉजिट और बोरिंग का रेट एक ही है 10%। बोले आप 10% पे चाहो तो जमा कर लो, 10% पे तो चाहो तो उधार ले लो। मैंने कहा सुन लो बैंक, प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए उधार दे दो। समझना ठीक से, मुझे पता लग गया कि इधर जमा करने में फायदा है, तो मैं इस बैंक से 1,00,000 रुपए उठा लेता हूँ, उधार ले लिया। और मुझे आज पैसे उधार ले लिया, कितना रुपए उधार ले लिया? 1,00,000। और मुझे 1 साल बाद इस बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा? 1,10,000। ये कन्फर्म है कि 1,10,000 देना पड़ेगा, बात खत्म। आज पैसा आ गया 1,00,000 रुपए, उस 1,00,000 रुपए को मैंने इस बैंक में जमा कर दिया। ठीक है सर, इस 1,00,000 रुपए यहां से लिया, 1,00,000 रुपए उधार, और उसको इस बैंक में जमा कर दिया 1,00,000। तो टोटल कितना हो गया? 6 महीने के लिए ही तो जमा कर सकते, तो 1,06,000 मिलेगा। और इस 1,06,000 को फिर मैंने 6 महीने बाद यहां जमा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और मुझे कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। 10% निकाल लेंगे कितना मिलेगा, और जो विथ इंटरेस्ट आएगा इसको वापस कर देंगे, बाकी हमारी कमाई। बस समस्या रूट पता लग जाए, और रूट कैसे पता लगेगा? इधर इन्वेस्ट करने में फायदा है। अच्छा सर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हाँ बिट्टे बताओ FRA क्या है? बिट्टे इतना 7.55 जबकि यहां कितना दिख रहा है? 10%। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्चुअल FRA। एक्चुअल FRA इज मोर देन, थियोरिटिकल FRA, इट मींस FRA इज ओवर प्राइस, महंगा है, और जो चीज महंगी है हम क्या करते हैं? सेल FRA। और सेल FRA का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट। ये लैंग्वेज भी चलेगी, ये भी लैंग्वेज चलेगी, आपकी मर्जी। ठीक है, बस आपको रूट पता करना, जैसे ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, सिंपल सी बात है, यहां से उधार लेंगे और इधर जमा करेंगे, या तो यहां से उधार लेंगे इधर जमा करेंगे, कहीं एक रूट से उधार लेना होता दूसरे रूट पे जमा करना होता, बस डिसाइड करना है कि किधर से क्या करना है। ठीक है, देखना पड़ेगा इधर जाता है कि इधर जाता है। अगर इधर जाता है यहां कितना आना चाहिए? 7.55, पर इधर ज्यादा है, कितना है? 10%। तो इधर क्या होगा? इन्वेस्ट, और यहां से क्या होगा? बोरो। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर प्रोसेस कर रहा हूं कि क्या करोगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा बेटे, अब समझो आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसी होने वाली है। सारी चीज प्रोसेस ऐसी होगी कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्शन, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज गेन, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज गेन। तो सबसे पहले लिखोगे आप एक्शन, और एक्शन में ऐसा लिखा जाएगा, बताओ FRA स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखवा रहा हूं स्टैंडर्ड, बाकी तो सारी चीजें सारी कहानी ये लिख चुका हूं। बोलो बेटे एक्चुअल रेट कितना चल रहा है? 10, जबकि थियोरिटिकल कितना आया? 7.55। तो इस तरह से सिंस FRA इज ओवरप्राइस्ड, महंगा है, और जो महंगा है उसको क्या करोगे? हैंस सेल FRA। ठीक है, तो ये आ गया एक्शन। दूसरा
प्रोसेस, और प्रोसेस कैसे स्टार्ट करोगे? तो प्रोसेस में सबसे पहले लिखा जाता टुडे, आज काम क्या होगा। तो आज काम क्या होगा जरा देख लेते हैं। पहला डॉट लगाया, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर पहले क्या करोगे? बोरो, पहले तो उधार लोगे ना, यहां वाली बैंक से उधार लोगे। रुपीज 1 लाख, आप मन से कोई भी फिगर ले सकते हैं, मैं 1 लाख रुपए बोरो। रुपीज 1 लाख कितने परसेंट पे? एट द रेट 10% पर है ना, फॉर 1 ईयर। यहां से पैसा उधार ले लिया। सर उधार लेकर क्या करोगे? दूसरा डॉट, यहां से पैसा उधार लेकर इधर जमा करेंगे। इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख एट द रेट 12% पर एन फ, और इधर तो सिर्फ 6 महीने के लिए जमा कर सकते हैं, 6 मंथ। इधर जमा भी आज ही कर लिए, सर एफआरए बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बिट्टी वो भी करना पड़ेगा। एंड तीसरा काम, सेल एफआरए 6 × 12 एट द रेट 10%। बस ये लैंग्वेज लिख दिया तो भी चल जाएगा, पर फिर भी एक सिंपल से लैंग्वेज है और लिख देता हूं, या ऐसे भी लिख सकते आ कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे कब? आफ्टर 6 मंथ। दूसरी लैंग्वेज में फॉर 6 मंथ एट द रेट 10% पर। आप इस तरह से भी लैंग्वेज लिख सकते हो, पर ये जो लैंग्वेज है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है सर, ये काम तो हो गया आज। तो आज मैंने कौन कौन से काम किए? टोटल मिलाकर 3 काम, इधर से उधार लिया, इधर जमा किया, और एफआरए बैंक से बोला कि आज से 6 महीने बाद हम आपके पास जमा करने आ जाएंगे, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। ठीक है सर, अब क्या दिखाना पड़ेगा? अब मुझे दिखाना पड़ेगा आफ्टर सीधा सीधा 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर में सबसे पहले बात कर लेते कैश इनफ्लोस की, पैसा कहां से आएगा। कैश इनफ्लोस सीधा 1 लाख यहां जमा किया, 1 लाख इंटू 1.06 दिख रहा है, और इधर 10% तो 6 महीने का कितना आएगा? 5% इंटू 1.05, चेक कर लेते कितना आ रहा है। 1 लाख इंटू 1.06 इंटू 1.05 आंसर आ रहा 1,11,300, 1,11,300। तो बेटे अब तो हम क्या ये पक्का कमा लेंगे? हाँ पक्का कमाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रिस्क खत्म, क्योंकि हम जानते इधर से भी पक्का मिलेगा और इधर तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, इधर से भी पक्का मिलेगा। मतलब 1,00,000 रुपया लगाने पे हमें 1,11,300 मिलेगा ही मिलेगा, इस रूट से मिलने वाला 1,11,300। ठीक है, अच्छा पैसा भी तो जाएगा ना। हाँ बेटे पैसा भी जाएगा, तो लिखेंगे कैश आउटफ्लोस, एक लाख। सर पैसे कहां से जाएंगे? बेटे इस बैंक से उधार लिए थे तो इसको तो देना पड़ेगा ना 10% के हिसाब से, इंटू 1.10 पक्का देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? 1,10,000 ही देना पड़ेगा। तो बताओ हमने कितना रुपए बचा लिया? माइनस 1,10,000, हमने 1,300 रुपए बचा लिया, और ये हमारा कहलाएगा आर्बिट्रेज गेन।
अच्छा सर, ये पक्का मिलेगा? हाँ बेटे, और हमें आज ही मालूम है। पहले दिन काम कीजिए, ईयर के बिगिनिंग में पहले दिन काम करना और लास्ट दिन काम करना, और हम कितना कमा लेंगे? 1300 कमा लेंगे। एक भी रुपया हमारी जेब से नहीं गया और पक्का हमें 1300 मिलेगा ही मिलेगा। इसका नाम आर्बिट्रेज। तो ये एक सिचुएशन है कि मैंने बताया कि क्या क्या होने वाला है। अगर यहाँ 10% 11% है तो पक्का हम रूट पता कर लेंगे। बस रूट हमको ये पता करना है कि हम लोगों को इधर इन्वेस्ट करना है कि इधर से बोरो करना है। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूं तो उससे बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल यही रहेगा, बस यहां रेट चेंज करूंगा और फिर सोचेंगे क्या है करके, ठीक है? अब बेटे देखो, क्वेश्चन यही है थियोरिटिकल। अब मैं थोड़ा सा रेट चेंज करूं और आप सोच के बताना। फिर से यही पर्सन है राम, फिर से यही वाली बैंक, एक रेट कितना है 10%, और एक बैंक था जिसमें रेट कितना है 12%। पर सुनो, ये कितने मंथ का था? ये तो पूरे 12 महीने के लिए जमा कर सकते थे और ये सिर्फ 6 महीने के लिए जमा कर सकते थे। यहां तक बात हो गई थी। अब ये एफआरए बैंक फिर से, और मैंने एफआरए बैंक से बोला सुनो ना, आपके यहां क्या रेट चल रहा है? तो उन्होंने एफआरए कोट कर रखा। इन्होंने कहा एफआरए चल रहा है, कब के लिए? मैंने कहा 6 महीने के लिए, 6 महीने, 6 महीने बाद 6 महीने के लिए। उन्होंने कहा रेट चल रहा है हमारे यहां 6% और 7%। मैंने कहा यार बैंक अब तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कि अब मुझे, अब मैंने चुपचाप से रेट इधर निकाल, मुझे तो कम से कम जमा करने पे 7.55% चाहिए, और उससे कम में तो इधर जमा करने का मतलब ही नहीं है, उससे अच्छा यही जमा कर दूंगा। जबकि इधर तो जमा करने पे भाई मिल ही नहीं रहा है। अच्छा इधर तो 7-6% मिल रहा, जो कि बहुत कम है। इट मीन्स, मैं फिर से बता रहा हूं उसका डेफिनेशन, जो निकाला ना आपने, कितना परसेंट निकाला बेटे? 7.55% थियोरिटिकल एफआरए, 7.55% का मतलब इन्वेस्ट करने पर कम से कम 7.55% चाहिए, इसे कम में मैं जमा नहीं करूंगा। अच्छा इसका और एक मतलब है, हम अगर बोरो करेंगे तो 7.55% से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है? अब बस हमको ये डिसाइड करना है क्या आप यहां जमा करने को तैयार हो? नहीं, क्योंकि हमको कम से कम 7.55% चाहिए, जबकि जमा करने पे तो 6% ही मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप उधार लेने को तैयार हो? 7% भी उधार मिल रहा है, हम 7.55% से ज्यादा पे बोरो नहीं करेंगे, ठीक है ना भैया? कम में मिल रहा है, बोरो करो। हाँ तो अब फाइनल हुआ कि इधर से हम बोरो करेंगे। अच्छा एक लैंग्वेज और है, बताओ बेटे एफआरए का रेट कितना आया था? 7.55%, और जबकि यहां कितना चल रहा? 6% 7%। बोलो बेटे ये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस? सर अंडर प्राइस है, अंडर, सस्ता दिख रहा ना आपको? और अगर सस्ता दिख रहा है तो सस्ता को क्या करते हो? बाई, तो हम बाई कर लेंगे क्योंकि एफआरए अंडर प्राइस है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है? 7.55 से कम है तो एफआरए बाई करोगे। तो फाइनल हुआ सर
उधार क्यों लेंगे ये बताओ ना बेटे, मैं एक चाल चलूंगा और चाल ऐसी चलूंगा कि मैं ना इस बैंक से उधार लूंगा। आप सुनोगे, अब फाइनल हुआ, ये एक साथ पकड़ेंगे हम, इधर से उधार लोगे और इधर, तो मैं क्या करूंगा अब की बार, मैं इधर से उधार लूंगा और ये बैंक बोलती कि 6 महीने के लिए उधार देंगे। मैंने कहा ठीक है 6 महीने के लिए उधार दो चल जाएगा, 1,00,000 रुपए दे दो। तो 1,00,000 रुपए उधार लिया 6 महीने के लिए और वो 1,00,000 रुपए यहां जमा कर दिया, तो मुझे तो 1,10,000 ही मिलेगा। सर 6 महीने बाद ये पैसे मांगने आएगी, इसको कौन देगा? बेटे उसको ये वाली बैंक पैसे दे देगी। कितना रुपए दे देगी? जितना भी बनता 1,06,000। सर आप दोगे? बेटे मैं इसको दे दूंगा आज से, मतलब 12 महीने बाद, जितना भी उसका बनता 1,06,000 का 7% के हिसाब से। ठीक है, तो सारा प्रोसेस यही होगा। अच्छा सर, मतलब अब की बार बेटे अब किधर से उधार लोगे? अब इधर से, इधर कम है ना, तो इधर से उधार लोगे और इधर इन्वेस्ट करोगे नीचे। ठीक है, तो अब कैसे किया जाता है? बस आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को इधर से, अगर ये कम है, सुनना बस, अगर ये कम दिख रहा है, अगर ये कम दिख रहा है तो बोरो करो, अगर ये ज्यादा दिख रहा है तो इन्वेस्ट करो। ठीक है, अभी क्या करना? कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज के। तो सबसे पहले एक्शन, अब एक्शन में तो यार 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक्चुअल एफआर है इस लेस देन थियोरिटिकल एफआर है। इट मींस एफआर इज अंडर प्राइस, हेंस बाय एफआर। जो सस्ता होता है उसको क्या करते हो? खरीदते हो। बाय एफआर का मतलब होता है, बाय का मतलब बोरो, कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, ये हो गया एक्स। इसके बाद क्या आएगा? प्रोसेस, और प्रोसेस में क्या लिखोगे? प्रोसेस में सबसे पहले जाएगा टुडे, आज काम क्या होगा। टुडे, तो टुडे में 3 डॉट लगेंगे फिर से। फर्स्ट डॉट, सबसे पहले सर एक काम करो, यहां से उधार लो। यस, बोरो रुपीस 1,00,000, कितने परसेंट के हिसाब से? एट द रेट 12% पर एन। पर सुनो बेटे, यहां से ना सिर्फ 6 महीने के लिए उधार मिल सकता है, याद रखना। ठीक है सर, यहां से उधार लिया, अब क्या करोगे? इन्वेस्ट, रुपीस 1,00,000 एट द रेट 10% पर एन फॉर 1 ईयर। यहां तो 1 साल के लिए जमा कर सकते हो, पर सुनो आज ही और एक काम करना पड़ेगा, ये वाला काम बाय एफआर है,
सिक्स इंटू ट्वेल्व एट द रेट कितने परसेंट के हिसाब से बोरो करोगे? बोरो करोगे तो भैया 7% देना पड़ेगा, 7%। तो ये हो गया आज। अब आएगा आफ्टर वन ईयर लिखोगे सीधा, आफ्टर वन ईयर। तो आफ्टर वन ईयर में दो चीजें, सबसे पहले कैश इनफ्लो। सर यहां जमा कर रहे हो ना आप? हाँ, तो बताओ कितना मिलेगा? 1,00,000 इंटू 1.10, 1,10,000। अब किसकी बात कर ले, कैश आउटफ्लोस इधर देना पड़ेगा 1,00,000 इंटू 1.06 और 1.06 कितने परसेंट के हिसाब से? 7%। तो 6 महीने का कितना आएगा? 1.035। चेक कर लेते कितना आ रहा। 1,00,000 इंटू 1.06 इंटू 1.035। तो बेटे ये आ गया 109,710 माइनस 1,10,000। तो बेटे बताओ कितने का फायदा हुआ? सर 290 का फायदा है। दिस इज आर्बिट्रेज गेन 290 रुपए, ठीक है। तो बस अभी हमको इतना ही काम करना है कि हमें डिसाइड करना है कि हमको इन्वेस्ट करना है कि डिपॉजिट करना है। अगर ये कम है, कम दिख रहा है तो इन्वेस्ट, इधर पूरा इन्वेस्ट। अगर ये ज्यादा है, सॉरी, अगर ये कम है तो बोरो करो, खरीद लो। अगर ये ज्यादा है तो बेच दो, इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इट मींस ये एक रूट है, हमें ये डिसाइड करना इस रूट से, या तो सुनना ध्यान से, इस रूट से बोरो और इस रूट पे इन्वेस्ट, या तो इस रूट से बोरो इस रूट पे इन्वेस्ट। देखना पड़ेगा यहां कम आना चाहिए कि ज्यादा। सर अगर इधर कम है, इधर कम है तो बोरो और इधर इन्वेस्ट। अगर इधर ज्यादा है, ज्यादा मिलने वाला है तो इधर से इन्वेस्ट, सॉरी इधर से बोरो और इधर इन्वेस्ट, ठीक है। अब सुनो एक और समस्या है, बस लास्ट। ये सब अपनी जगह ठीक है सर, आपने जो बताया, मेरे ख्याल से आप साथ साथ नोट कर रहे हो। तो जब सर अगर रेट होता ध्यान से समझना, ये वाला रेट 7% 8%, तो फिर क्या करते? जरा बताओ, हम बोरो करते कि इन्वेस्ट करते? सोचते 7.55% का मतलब बताओ, इन्वेस्ट करने पे हमें कम से कम 7.55% चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। जबकि इधर कितना मिल रहा है? 7। नहीं करेंगे भैया इन्वेस्ट, कोई मतलब ही नहीं। कम से कम मुझे 7.55% चाहिए, इधर इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं, 7% मिल रहा है। दूसरा मतलब, हम अगर बोरो करेंगे तो 7.55% से ज्यादा नहीं देंगे, 8% पे बोरो करोगे क्या? नहीं भाई, हम तो 7.5। तो अब क्या आर्बिट्रेज हो सकता? हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में मैंने जानबूझकर ये जो 7.55 है वो तो इसके बीच का है। अगर इसके ये जो रेट है इन दोनों के बीच का है तो फिर हो ही नहीं सकता आर्बिट्रेज। ना तो बोरो कर सकते हो, ना तो इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बात किया। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एक ही है, पर इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए। तो दो एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये एफआरए टॉपिक खत्म हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए, होमवर्क क्वेश्चन आप करिए, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है।